लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी आखिर क्या है, CCA क्या है, जनरल ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है, रोल देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अंडर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके कौन कौन से सेक्शन आते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको कि ये एंटिटी मिली होती है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर सके। इससे पहले हमने समझा था डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, तो वो सब इशू कौन करता है? वो सब इशू करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाई करती है वो। और अगर बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो उसने इस्टेब्लिश की थी सर्टिफाइंग अथॉरिटी किस लिए? रेगुलेट करने के लिए टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या ई ट्रांजेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि भाई CCA क्या है। तो CCA जो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इसकी फुल फॉर्म, और ये अपॉइंटेड होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बात लिखी गई है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसे 1 नवंबर 2000 में एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इसका मेन एम था प्रमोट करना द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन से ई गवर्नेंस की वीडियो जरूर देख लेना, ताकि ये वाली वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब बात करते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो जनरल ड्यूटी क्या है? जनरेट करना, इशू करना जो सर्टिफिकेट है, और डिस्ट्रीब्यूट करना पब्लिक की और सर्टिफिकेट। उस वीडियो में हमने थोड़ा सा पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं कि भाई जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका और क्या है। तो जनरेट करती है पब्लिश सर्टिफिकेट स्टेटस इंफॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और प्राइवेट और पब्लिक की। तो ये इसके एक जनरल ड्यूटीज आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसका रोल इतना है कि वो लाइक अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, जिसको ये एंटिटी होती है कि वो लाइसेंस जो है, जो कंट्रोलर है वो लाइसेंस के थ्रू क्या होता है, आपको लाइसेंस दे देता है, आपको सर्टिफिकेट दे देता है, विल इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू द यूजर ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, ये किसको होता है? ऐसे यूजर जो कि ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उस पर ही चीजें चाहिए होती हैं। तो वहां पर ये अथॉरिटी क्या करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है। और ये क्यों करती है? ये इसलिए करती है कि लाइक अगर दो पर्सन के बीच में, यानी कि ए है और ये बी है, इनके बीच में एक तरीके से थर्ड पार्टी का काम करती है, और ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है, और इसका रोल ये होता है एक्सेप्ट करती है एप्लीकेशन टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट। जो एप्लीकेशन, अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई डिजिटल सिग्नेचर एकदम हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है और प्रोसीजर होता है प्रॉपर, और उसके बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। साथ के साथ ये वेरीफाई करती है आइडेंटिटी ऑफ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब वो व्यक्ति जो कि ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति को वेरीफाई करती है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करती है सब्सक्राइबर की कॉरेस्पॉन्डेंस प्राइवेट की और प्राइवेट की को। अच्छा, ये चीज हमने जानी थी कि कई बार क्या होता है ना, जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है ये दो की देती है, एक पब्लिक की देती है और एक प्राइवेट की देती है। पब्लिक की तो वो होती है जो कि आपको, मतलब पब्लिक की मिल गई और वो पब्लिक की जो इनक्रप्ट है वो कोई भी कर सकता है, बट जो प्राइवेट की है वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफाई पर्सन के लिए होती है, उसी स्पेसिफाई सब्सक्राइबर के लिए होती है जिसने वो ली होती है। उसके बाद एक्सेप्ट करती है रिक्वेस्ट टू रिवोक द सर्टिफिकेट। जो इस तरीके की रिक्वेस्ट वगैरह होती है कि सर्टिफिकेट को रिवोक कर दो, वो भी करती है। जनरेट करती है डिजिटल सर्टिफिकेट, साथ के साथ
जो फिजिकल वेरीफाइंग होती है वो भी ये अथॉरिटी करती है। अब बात करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है अंडर आईटी एक्ट क्या है, मतलब अंडर आईटी एक्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में क्या कहा गया है। तो रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 17 से लेके 34 तक दी हुई है, ये चैप्टर 6 में देखने को मिलती है। तो सेक्शन 17 क्या कह रहा है, सेक्शन 17 ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर, हमने पीछे बात करी थी CCA की, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सेक्शन 17 क्या है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बता दी कि किस तरीके से होगी। आगे इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं 17 सेक्शन के ही, कि अब ये जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो कंट्रोलर ऑफिसर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आफ्टर नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट होता है, और ये अपॉइंटमेंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दे ऑल्सो डेप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर, डेप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती हैं ऑफिसर्स की वो प्रेस्क्राइब रहती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब कर दिया है उसी के अंडर में ही इनकी क्वालिफिकेशन होती है। दे शैल बी सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर है उसकी एक सील बना के, उस ऑफिसर की सील बना के भी दी जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की, तो सेक्शन 18 में है फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर जो उसके फंक्शन क्या होंगे। तो नंबर 1, सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ले डाउन द स्टैंडर्ड That the certifying authority follow. Super activities को supervise करना, जो certifying authority है उस पर क्या है स्टैंडर्ड जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, वो वही फॉलो करेगी जो कि कंट्रोलर जो वही फॉलो करेगा जो कि प्रेस्क्राइब होगा। दूसरी बात, फैसिलिटेट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू establish an इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी वो एस्टैब्लिश रहेगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। स्पेसिफाई द मैनर इन विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी डील विद द सब्सक्राइबर, और जो सब्सक्राइबर होंगे वो अथॉरिटी क्या करेगी, वो जो कंट्रोलर क्या करेगा, वो डील करेगा विद द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के साथ डील करेगा, रिजॉल्व करेगा अगर किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच, तो जो कंट्रोलर है वो इसको रिजॉल्व करेगा। ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। लास्ट वन, मेंटेन अ डाटाबेस कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सभी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का एक रिकॉर्ड होगा, डाटाबेस जो रिकॉर्ड होगा उसको क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। तो ये कंट्रोलर के फंक्शंस हैं। आगे बात करते हैं सेक्शन 19 की, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि रिकॉग्नाइज की जाएगी, जब कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सेक्शन 20 में ओमिटेड है, मतलब ये सेक्शन अब पढ़ने की नीड नहीं है। सेक्शन 21 ये कहता है लाइसेंस टू इश्यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, वहां पर क्या है लाइसेंस की बात कर दी गई, कि लाइसेंस जो इश्यू होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का या ई सिग्नेचर का या डिजिटल सिग्नेचर का, तो वो सर्टिफिकेट बता दिया। 22 में बात करें तो सेक्शन 22 में है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के बारे में पूरी डिटेल है। 23 की बात करें तो इसमें रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जो सब्सक्राइबर को लाइसेंस मिलता है या जो सर्टिफिकेट रहता है उसको क्या है रिन्यूअल करना। 24 में लिखा है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, जो सब्सक्राइबर को लाइसेंस मिला है वो उसको प्रोसीजर वहां पे 24 सेक्शन में बता दिया कि किस तरीके से फॉर ग्रांट होगा और रिजेक्ट होगा। 25 में बात कर दी गई सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को किस तरीके से सस्पेंशन वगैरह करना है। 26 में बात की गई है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जब सस्पेंशन या सस्पेंड कर दिया जाएगा कोई लाइसेंस या रिवोक कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सब्सक्राइबर होगा उसको नोटिस भेजना, ये 26 में बात की गई है। 27 में बात कर दी गई है पावर टू डेलीगेट, यानी कि जो कंट्रोलर होगा वो क्या करेगा, अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकता है। 28 में बात कर दी गई पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशन, इन्वेस्टिगेट करना कि किस तरीके से कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, ये सारी चीजें। 29 में बात कर दी गई एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डाटा, तो यहाँ पर क्या है, जो कंट्रोलर है वो एक्सेस कर सकता है किसी भी कंप्यूटर से डाटा को, जो है वहाँ पे उसको एक्सेस करने की एक तरीके से परमिशन मिल जाती है।
30 में बात करते हैं, सेक्शन 30 में सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी वो सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करेगी, बिना फॉलो किए वो जो काम है नहीं कर सकती है, उसको सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो ही करना होगा। सेक्शन 31 में सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंश्योर करती है कंप्लेनेंस ऑफ द एक्ट, यानी कि जो भी ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी वह इंश्योर करेगी कि क्या भी कंप्लेंस है इस एक्ट के अंडर में एक्सेट्रा। सेक्शन 32 बात करता है डिस्प्ले टू लाइसेंस, तो इजीली डिस्प्ले हो पाएगी जो भी लाइसेंस होगी, जैसे पब्लिक की और प्राइवेट की प्रोवाइड होती है तो वो इजीली डिस्प्ले हो पाए, ये सेक्शन 32 में दिया गया है। सेक्शन 33 में दिया गया है सरेंडर ऑफ लाइसेंस, सरेंडर ऑफ लाइसेंस मतलब कि जो लाइसेंस होगा वो किस तरीके से, मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा सेक्शन 25 और 26 में सस्पेंशन और नोटिस वगैरह देना, तो 33 में यही है कि वो सरेंडर ऑफ लाइसेंस रहेगा। और लास्ट वन में सेक्शन 34 यानी कि डिस्क्लोजर, उसमें सिर्फ इतना कि जैसे कोई इवेंट वगैरह होगा तो उसके लिए क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।